Assalamualaikum viewers, welcome to ILMI Institute for Competitive Exams. आज political science में हमने जो topic cover करना है वो है liberty. बहुत से students confuse कर जाते हैं इस term को, और confuse किसके साथ करते हैं? Freedom के साथ. Liberty और freedom, इन दोनों को एक ही meaning के अंदर ले आते हैं, जबकि ये दोनों एक मीनिंग के अंदर फिट नहीं होते, डिफरेंस है. आइए जी लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं कि लिबर्टी और फ्रीडम के दरमियान में क्या डिफरेंस है, ताकि आपके जहनों में अगर कंफ्यूजन है, लिबर्टी और फ्रीडम इनको आप एक ही टर्म समझते हो, सिनोनिम समझते हो एक दूसरे के, तो वो कंफ्यूजन सबसे पहले दूर करते हैं. देखें, लिबर्टी किसे कहते हैं? द रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ फ्रीडम अंडर द रूल ऑफ लॉ विदाउट डिप्राइविंग एनी वन एल्स ऑफ देयर फ्रीडम. के लिबर्टी क्या है? रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ फ्रीडम है अंडर द रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ, उसके अंदर रहते हुए आप अपनी फ्रीडम को एक्सरसाइज करते हो. आप कंट्री में रहते हो, एक स्पेसिफिक स्टेट में आप रहते हो, उस स्पेसिफिक स्टेट के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, और उन्हीं रूल्स और रेगुलेशंस के अंदर रहते हुए आप अपनी फ्रीडम को एक्सरसाइज करते हो. दिस इज लिबर्टी. रूल्स क्यों जरूरी हैं? इसलिए ताकि आप किसी और की फ्रीडम को स्नेच ना कर सको. रूल है, आपने चोरी नहीं करनी. तुम्हें अपनी इस हर्टली डिजायर को मैं फॉलो नहीं कर सकता ब्लाइंडली कि मेरा दिल कर रहा है मैं चोरी करूं. ठीक, तो मुझे अपने जो स्टेट है उसके रूल्स के अंदर रहते हुए अपनी फ्रीडम को एक्सरसाइज करना होता है. और अगर मैं उन रूल्स को वायलेट करता हूं और अपनी विल को, अपनी विश को यूज करते हुए अपने एक्ट को फ्रीली परफॉर्म करता हूं और चोरी कर लेता हूं, तो उसके लिए स्टेट मुझे सजा देती है. ठीक, तो लिबर्टी क्या है? कि रूल्स रेगुलेशंस के अंदर रहते हुए अपनी फ्रीडम को एक्सरसाइज करना, दिस इज लिबर्टी. ठीक, अब ये लिबर्टी सिविल सोसाइटीज का एक हिस्सा माना जाता है, सिविल सोसाइटीज का. ठीक, फ्रीडम क्या है? अनरिस्ट्रेंड एबिलिटी टू फुलफिल वन्स डिजायर्स. अनरिस्ट्रेंड एबिलिटी, के आपके ऊपर कोई रोकथाम नहीं, एब्सोल्यूट फ्रीडम है, जो दिल करता है करो, जिसका दिल कर रहा है जिसको मारने का उसको मार दो, मर्डर कर दो, जिसका दिल कर रहा है कि मैं किसी की चोरी कर लू चोरी कर लो, जो दिल में आ रहा है करो, आपको फ्रीडम है पूरी तरह. ये फर्क है लिबर्टी और फ्रीडम में, कि लिबर्टी में आपके ऊपर रूल्स होते हैं, उसी रूल्स के अंदर रहते हुए आपको अपनी फ्रीडम को एक्सरसाइज करना होता है. ठीक, और ये जो फ्रीडम है, ये जो टर्म है फ्रीडम, ये असल में एब्सोल्यूट फ्रीडम को शो करती है. ठीक, अब जब आप फ्रीडम को यूटिलाइज करते हो तो वहां पे माइट इज राइट की बात आती है. अगर हर कोई फ्रीडम को यूटिलाइज करे, एब्सोल्यूट फ्रीडम को, फिर तो जो पावरफुल है वही सब पे हुकूमत करेगा, वही सबको सप्रेस करेगा. माइट इज राइट है, जिसकी लाठी है उसी की भैंस है. ठीक, और ये जो फ्रीडम है, एब्सोल्यूट फ्रीडम, इसकी लिटरल सेंस में बात कर रहा हूं, नॉट एक्सेप्टेबल इन सिविल सोसाइटीज. ठीक, ये सिविल सोसाइटीज का हिस्सा नहीं होती.
सिविल सोसाइटीज का हिस्सा लिबर्टी होती है, क्योंकि हम सोसाइटी को चलाने के लिए हम रूल्स लाते हैं ताकि इंसान एब्सोल्यूट फ्रीडम को यूज ना कर सके। अगर वो एब्सोल्यूट फ्रीडम को यूज करेगा तो सोसाइटी के अंदर दूसरे जो इंसान रह रहे हैं उनको नुकसान पहुंचा सकता है, उनके लिए डेंजरस साबित हो सकता है। तो इसलिए सोसाइटी, सिविल सोसाइटीज के अंदर लिबर्टी चलती है, रूल्स के अंदर रहकर आपको अपनी फ्रीडम एक्सरसाइज करनी होती है। देखें, लिबर्टी इज नॉट अ लाइसेंस टू डू एनीथिंग। लिबर्टी का ये मतलब नहीं कि आपको लाइसेंस मिल गया है लिबर्टी कि भाई आपने जो दिल कर रहा है करो। इट मींस द फ्रीडम टू डू ओनली दोस थिंग्स विच आर कंसिडर्ड वर्थ डूइंग। वो चीजें करना जिसे ये कहा जाता हो कि वाकई में वर्थ डूइंग है। और ये कौन हमें बताता है? सोसाइटी हमें बताती है, जैसे मॉरल वैल्यूज हैं। ठीक, समझ आई? एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम अंडर द लॉज ऑफ स्टेट। आप लिबर्टी को ये कह सकते हो कि लिबर्टी इज एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम अंडर द लॉज ऑफ स्टेट। समझ आई? अब हैरल्ड जोसेफ लॉस्की, हैरल्ड जोसेफ लॉस्की ये क्या कहते हैं लिबर्टी के बारे में? ठीक, हैरल्ड जोसेफ लॉस्की इंग्लिश पॉलिटिकल थ्योरिस्ट और इकोनॉमिस्ट हैं। इट इज द नेम ऑफ कीपिंग दैट एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स हैव इक्वल चांसेस ऑफ ग्रोइंग देयर एबिलिटीज। Name of keeping that environment in which individuals have equal chances of growing their abilities. Yani, ऐसे rules के अंदर रहते हुए आप individuals को freedom दे रहे हो, it means आप उनको वो platform provide कर रहे हो कि हर एक individual के पास ये right है कि वो अपनी abilities को grow कर सकता है। अगर एब्सोल्यूट फ्रीडम होती तो ये जो ग्रोइंग देयर एबिलिटीज इक्वल चांस ये नहीं मिलता, क्योंकि जिसके हाथ में पावर होती, पैसा होता, वो अपनी मर्जी कर रहा होता। ठीक, लेकिन स्टेट्स के अंदर जब सिविल सोसाइटीज या स्टेट्स के अंदर जब लिबर्टी आती है तो हर एक को चांस मिलता है ग्रो करने का। ठीक, अब स्टेट की रूल्स और लॉस के अंदर रहते हुए मैं अपनी फ्रीडम एक्सरसाइज कर रहा हूं, आप लोगों को पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पे। आप स्टेट के लॉस के अंदर रहते हुए अपनी लिबर्टी को एक्सरसाइज कर रहे हो और यूट्यूब पे लेक्चर सुन रहे हो। अगर ये एब्सोल्यूट फ्रीडम होती तो शायद कोई बंदा ऐसा होता जो कि टेक्नोलॉजी में माहिर होता, यूट्यूब की ऑनरशिप हो ले लेता और ये एजुकेशन के जो लेक्चर्स हैं उन पे कंट्रोल पूरी तरह उनको बैन कर देता कि भाई क्यों आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, जाओ स्कूलों में फीस पे करो, यूनिवर्सिटीज में फीस पे करो। ठीक, तो ये हो सकता इस तरह अगर एब्सोल्यूट फ्रीडम होती तो कोई एक निकल आता ऐसा बिजनेस माइंड का बंदा जो एकेडमीज में से भी कमा रहा होता है, यूनिवर्सिटी से भी कमा रहा होता और यूट्यूब को उसके एजुकेशनल कंटेंट को बैन कर देता। ठीक, तो लिबर्टी की वजह से ये पॉसिबल हुआ कि सबको इक्वल चांस मिलता है। मैं दे रहा हूं लेक्चर यूट्यूब पे तो कोई और भी दे सकता है, आप भी दे सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रूल्स के अंदर रहते हुए अपनी फ्रीडम को आप एक्सरसाइज कर रहे हो। एटमोलॉजी को अगर देखा जाए, लिबर्टी की एटमोलॉजी, एटमोलॉजी कहते हैं ओरिजिन ऑफ द वर्ड। लिबर्टी एक लैटिन वर्ड लिबर से निकला हुआ है। लिबर कहते हैं
लैटिन में लिबर यूज किया जाता था एब्सेंस ऑफ ऑल रिस्ट्रेंट्स, कि कोई रोकथाम नहीं है, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता था लिबर। ठीक, अब इसकी जब हमने एटमोलॉजी देखी कि लिबर से निकला हुआ है लिबर्टी, जिसका मतलब है लिबर का कि एब्सेंस ऑफ ऑल रिस्ट्रेंट्स, कोई रोकथाम नहीं। जबकि अभी जो हम जो कुछ पढ़ रहे हैं उसके अंदर तो हम देख रहे हैं कि भाई रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसके अंदर रहते हुए हमें फ्रीडम को एक्सरसाइज करना है। इट मींस कि रिस्ट्रेंट्स तो हैं, लेकिन लिटरल डेफिनेशन में तो एब्सेंस ऑफ ऑल रिस्ट्रेंट्स आ रहा है, तो ये क्या चक्कर है? इसलिए कहा जाता है कि लिबर्टी के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक है नेगेटिव लिबर्टी, दूसरा है पॉजिटिव लिबर्टी। ये जो हम लिटरल डेफिनेशन इसकी पढ़ रहे हैं ना कि लिबर का लैटिन में मतलब है एब्सेंस ऑफ ऑल रिस्ट्रेंट्स, ये नेगेटिव लिबर्टी के अंदर बात जाती है। और ये जो हम सिविल सोसाइटी का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं कि भाई रूल्स के अंदर रहते हुए फ्रीडम को एक्सरसाइज करना, ताकि आप अपनी फ्रीडम को भी रूल्स के अंदर रहते हुए एक्सरसाइज कर सको और दूसरों की फ्रीडम को स्नैच ना कर सको, उन्हें भी इक्वल राइट्स हों कि वो अपनी फ्रीडम को एक्सरसाइज करें लिबर्टी के अंदर, तो ये पॉजिटिव लिबर्टी है। समझ आई बात की? देखें, नेगेटिव लिबर्टी, अनरिस्ट्रेंड लिबर्टी, जिस तरह हमने इसकी लिटरल डेफिनेशन में पढ़ा था कि लिबर का वर्ड यूज करता है एब्सेंस ऑफ ऑल रिस्ट्रेंट्स, कोई रोकथाम नहीं, एब्सेंस ऑफ ऑल रिस्ट्रेंट्स। यहां पे नेगेटिव लिबर्टी के अंदर एब्सोल्यूट फ्रीडम की बात की जाती है, जो दिल में आ रहा है करो, कोई रोकने वाला नहीं, वन कैन डू वट एवर वन लाइक्स। ठीक, फिर रिजल्ट निकलता है इसका माइट इज राइट, जो पावरफुल है फिर उसी के हाथ में सब कुछ है। ठीक, अब ये जो नेगेटिव लिबर्टी है नेवर एक्सेप्टेबल इन सिविल सोसाइटी, ये एक्सेप्टेबल नहीं है नेगेटिव लिबर्टी। ठीक, अब इसकी एक आती है पॉजिटिव लिबर्टी, जिसे रिस्ट्रेंड लिबर्टी कहा जाता है, कि फ्रीडम है लेकिन फ्रीडम अंडर सम अम्ब्रेला ऑफ लॉज है। ठीक, फ्रीडम अंडर रैशनल एंड लॉजिकल रिस्ट्रेंट्स इंपोज्ड बाय लॉ, जो हमारे ऊपर लॉज होते हैं जिसके अंदर रह के हमें फ्रीडम एक्सरसाइज करनी होती है, वो लॉज रैशनल होते हैं, उन्हें हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, रीजन आउट कर सकते हैं, लॉजिकल होते हैं। आपको चोरी करने से मना किया जाता है तो इसीलिए किया जाता है कि ये एक नेगेटिव एट्रीब्यूट है, एक नेगेटिव क्वालिटी है, एक नेगेटिव फीचर है, अगर आप ये करोगे तो क्या होगा, नुकसान पहुंचाओगे सोसाइटी के अंदर, इमोरेलिटी को फैलाओगे, किसी फैमिली की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको आप स्नेच कर रहे हो अगर आप चोरी कर रहे हो। ठीक, ये समझ आई बात की? दीज रिस्ट्रेंट्स आर कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग द एंजॉयमेंट ऑफ लिबर्टी टू ऑल द पीपल। ये रिस्ट्रेंट्स हैं तो इसी की वजह से इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिल रही हैं, ये रिस्ट्रेंट्स हैं तो इसी की वजह से लोग सब लिबर्टी को इंजॉय कर रहे हैं, हर एक अपनी फ्रीडम को इंजॉय कर रहा है। ये रिस्ट्रेंट्स हैं तो कोई दूसरे की फ्रीडम को स्नैच नहीं कर रहा। समझ आए? अब इन्हीं रिस्ट्रेंट्स की वजह से इक्वल एंड एडुकेट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल टू एंजॉय देयर राइट्स,
इसी पॉजिटिव लिबर्टी के अंदर ये जो रिस्ट्रेंट्स हैं इसकी वजह से लोग अपने राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि रूल्स बन गए हैं, आप वायलेट करोगे पनिश होगे, ठीक। तो इसलिए ये जो पॉजिटिव लिबर्टी है ये सिविल सोसाइटी के अंदर नजर आती है, और सिविल सोसाइटी इसी पॉजिटिव लिबर्टी को एडमायर करती है, प्रेज करती है, एक्सरसाइज करती है, समझ आई। अब फीचर्स ऑफ लिबर्टी क्या हैं और काइंड्स ऑफ लिबर्टी क्या हैं, अलग अलग वीडियो में, इसके बाद जो वीडियो है वो फीचर्स ऑफ लिबर्टी, फिर उसके बाद काइंड्स ऑफ लिबर्टी। पॉलिटिकल साइंस के नाम से जो फोल्डर बना हुआ है यहाँ पे इस चैनल की प्लेलिस्ट में, वहां पे आपको ये लेक्चर इसी तरतीब से मिलेंगे, ठीक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।